हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा से नमस्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैसे यूज करते हैं। यह एक इंडियन ऐप है जिसके थ्रू आप वीडियो मीटिंग और वीडियो कॉल कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से नमस्ते ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप का आइकन कुछ इस प्रकार से दिखता है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आप मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है ज्वाइन एग्जिस्टिंग मीटिंग का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो भी मीटिंग आईडी आपको मिली है आप वो टाइप कर दीजिए, मीटिंग कोड टाइप कर दीजिए और अपना नाम टाइप करके ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक कर दीजिए। आप मीटिंग के अंदर सक्सेसफुली ज्वाइन हो जाओगे। बट अगर आपको मीटिंग क्रिएट करनी है तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए आपको पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू मीटिंग का, आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम टाइप करना है, तो यहाँ पर देखिए नाम हमने टाइप कर दिया। स्टार्ट मीटिंग पर आप क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट मीटिंग पर क्लिक करते ही आपका कैमरा इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है मीटिंग को शेयर करने का, ऊपर आपको शेयर बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मीटिंग आईडी और मीटिंग कोड दे दिया जाएगा। अब ये मीटिंग आईडी और कोड डालकर जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। तो आपको इसे शेयर कर देना है जिसे भी आप मीटिंग में जोड़ना चाहते हो उसके साथ। शेयर का बटन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए, सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर करना चाहते हो शेयर कर दीजिए। अब इस मीटिंग कोड और मीटिंग आईडी का यूज करके कोई भी आपकी मीटिंग में ज्वाइन हो सकता है। अब यहाँ पर आपको नीचे ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है माइक का, अगर आप जो आवाज़ है उसे बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आवाज़ जो है वो म्यूट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है वीडियो का, अगर आप वीडियो बंद करना चाहते हो केवल ऑडियो कॉल चले तो आप वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आपका जो वीडियो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको मिलता है कैमरा स्विच करने का, इस पर आप क्लिक करोगे तो बैक कैमरे से आप फ्रंट कैमरे पर स्विच कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट में एक और ऑप्शन मिलता है, कुछ इस तरीके का आइकन है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो जितने लोग भी मीटिंग के अंदर ज्वाइन है सभी का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान की आवाज़ या फिर वीडियो को बंद करना चाहते हो तो आपको साइड में आइडियो और वीडियो का भी ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप किसी पर्टिकुलर इंसान की आइडियो और वीडियो भी यहाँ से बंद कर सकते हो। ऊपर आपको चैट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप वीडियो मीटिंग के दौरान चैट करना चाहते हो तो चैट पर आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ से आप चैट भी कर सकते हो। तो यही एप्लीकेशन, इसके बारे में जो भी डिटेल थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।